Good morning, kids, and welcome to my class. Today, we are going to learn your chapter number 2 from your computer book. The role of computer. हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या रोल होते हैं और कौन कौन सी जगहों पर कंप्यूटर कैसे कैसे यूज किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. दे सेव time and make our work easier. Computer are used in different place to perform various tasks. Means computer जो है वो हमारी life का बहुत ही ज़्यादा important part बन चुका है. Computer हमारा work, हमारा time save करता है और हमारे work को easier यानी कि आसान बना देता है. अब हम computer अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्क करता है, यानी कि टास्क मीन्स वर्क, वेरियस यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्क करता है. रोल ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस. अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के वर्क अलग अलग प्लेसेस पर. लेट अस लर्न अबाउट द रोल ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस. स्कूल्स टीचिंग एंड लर्निंग लेसन्स. स्टूडेंट डू प्रैक्टिकल वर्क इन द कंप्यूटर लैब. स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स. प्रिपेयरिंग टाइम टेबल, टेस्ट पेपर्स, नोटिस एंड रिजल्ट शीट्स. कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. मीन्स अब जो टीचर जो है बच्चों को लेसन पढ़ाने में बहुत बार कंप्यूटर की हेल्प ले लेती हैं, जिससे उन्हें टॉपिक ईजिली समझ आ जाता है. स्टूडेंट्स प्रैक्टिस वर्क करते हैं कंप्यूटर लैब में जाके, जैसे आप लोग करते थे मैम के साथ जाके. ऑफिस में स्टूडेंट की डिटेल सारी कंप्यूटर्स में रखी जाती है. आपको जो नोटिस मिलते हैं, आपका टाइम टेबल, आपके टेस्ट पेपर, आपका रिजल्ट शीट, ये सारा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर होता है. एंड लाइब्रेरी में रीटा मैम जो आपको बुक इशू करके देते थे, उसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में रखा जाता था. होम्स यानी कि घरों में क्या क्या रोल होता है कंप्यूटर का. वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स. प्लेइंग गेम्स. सर्चिंग इंफॉर्मेशन. प्रिपेयरिंग स्कूल प्रोजेक्ट. सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. मीन्स आप घरों में जिनके पास कंप्यूटर है, वो घरों में कंप्यूटर में मूवीज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, गेम्स खेलते हैं एंड सर्च करते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट 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 टॉपिक्स. एंड बड़े बच्चे स्कूल का प्रोजेक्ट भी कंप्यूटर की हेल्प से बनाते हैं. एंड कंप्यूटर की हेल्प से ही आप मैसेजेस रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं. ऑफिस में क्या वर्क होता है कंप्यूटर का. टाइपिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिशियल डाटा एंड इंफॉर्मेशन. मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज. मीन्स जो वहाँ पर एम्प्लॉयज यानी कि वर्कर्स, जो एक कंपनी में वर्क करते हैं वर्कर्स, उनका सारा जो डाटा होता है, मतलब कौन सा वर्कर कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जाता है, क्या कहाँ रहता है, सब कुछ जो मेंटेन यानी बनाया जाता है, उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में बनाया जाता है. उसका जो वर्क होता है सारा, टाइपिंग का, स्टोरिंग का, प्रिंटिंग का, ये सब इंफॉर्मेशन सब कंप्यूटर में रखी जाती है. नाउ हॉस्पिटल्स में क्या रोल होता है कंप्यूटर का. ट्रीटिंग एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट. डूइंग मेडिकल टेस्ट एंड ऑपरेशंस. प्रिपेयरिंग हेल्थ रिपोर्ट्स एंड आइडेंटिफाइड डिसीजेज. मीन्स यानी कि जो पेशेंट का रिकॉर्ड होता है वो सारा कंप्यूटर में रखा जाता है. उसके मेडिकल टेस्ट, ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर किए जाते हैं. उनकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं कंप्यूटर के थ्रू बनती, आइडेंटिफाइंग यानी कि पहचानना डिसीज यानी कि उनकी बीमारी. उनकी जो बीमारी होती है वो भी कंप्यूटर की हेल्प से उनकी रिपोर्ट बनती है तब पता चलता है. बैंक्स में क्या रोल होता है कंप्यूटर का. डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉल मनी यूजिंग ATM.
ये बच्चों एटीएम मशीन है, इसमें से ये देखो कैश निकाल रहे हैं, ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर है। स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ अ कस्टमर्स अकाउंट, जो आपके अकाउंट होता है बैंक में उसकी भी डिटेल सारी कंप्यूटर में रखी जाती है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मनी, यानी कि आपके बैंक में कितना कैश है उसका जो डिटेल है वो भी सारा कंप्यूटर में रखा जाता है। आपने कब कितना कैश विड्रॉल करा, कितना उसमें सबमिट किया, सबका रिकॉर्ड कंप्यूटर के थ्रू रखा जाता है। नाउ होटल्स, होटल्स में क्या रोल होता है कंप्यूटर का, जो वहाँ पर गेस्ट आते हैं उनका जो डिटेल होता है वो भी कंप्यूटर में रखा जाता है। ऑनलाइन बुक्स बुक होते हैं रूम, उसका भी सारा कंप्यूटर के थ्रू होता है। कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ रूम्स, यानी उनके कंप्यूटर उनके होटल्स में कितने रूम हैं उसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में रखा जाता है। एंड जो वो आपको लास्ट में बिल देते हैं वो भी कंप्यूटराइज देते हैं। नाउ शॉपिंग्स एंड मॉल्स, यानी कि मॉल में क्या रोल होता है। मॉल यानी कि आप जो गए हो ना विशाल मार्ट, वी मार्ट, ये सब क्या है, ये मॉल्स हैं। अब इसमें क्या रोल होता है। प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग बिल, आप जब अपना परचेज कर लेते हो, सामान खरीद लेते हो, उसके बाद आप एक चाहते ना बिल देने के लिए, कैश देने के लिए, वो आपको एक पेपर पे काट के देते हैं रिसिप्ट, है ना, व्हाइट कलर की, वो क्या होता है, वो बिल होता है। और वो किसके थ्रू मिलता है, वो आपको कंप्यूटर के थ्रू मिलता है। एंड वहां पर कितने आइटम्स का सेल हो गया, आइटम्स यानी सामान, कितना सामान उनका सेल हो गया है, कितना उनके पास बचा है, उस सबका रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाता है। नाउ एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन पे क्या रोल होता है कंप्यूटर का। आप जो बुक्स ऑनलाइन बुक टिकट्स बुक करते हो, कैंसिलेशन करते हो, सब कंप्यूटर के थ्रू होता है। किस ट्रेन में किस फ्लाइट में कितने पैसेंजर जाने वाले हैं उसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर के थ्रू रखा जाता है। कौन सी ट्रेन एंड फ्लाइट्स, यानी कि फ्लाइट एयरप्लेन कब किस टाइम आने वाला है, किस टाइम जाने वाला है, उसका सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर के थ्रू रखा जाता है। एंड चेकिंग लगेज, लगेज यानी कि सामान, एट द सिक्योरिटी काउंटर, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, काउंटर यानी कि ये दिखी जो ये होता है ना, ये मोस्टली आपको बड़े स्टेशन या एयरपोर्ट पे मिलता है। यहाँ पर आपके सामान की चेकिंग की जाती है कि आपका सामान सिक्योर है या नहीं। रिसर्च सेंटर, रिसर्च स्टडिंग मोर अबाउट साइंस, इन्वेंटिंग न्यू मशीन्स, फोरकास्टिंग वेदर कंडीशन, सर्चिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेस, मीन्स साइंस में जो रिसर्च की जाती है वो सब रिसर्च सेंटर में की जाती है। न्यू इन्वेंशन जो किए जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू किए जाते हैं। फोरकास्टिंग वेदर कंडीशन, यानी आपको पहले से ही आपके फोन में पता चल जाता है ना, आप बारिश होने वाली है, आज मौसम कैसा रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग, यानी कि पहले से पता लग जाता है वेदर कंडीशन, यानी वेदर के बारे में। रिसर्चिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेस, यानी स्पेस मीन्स अभी आपने सुना था एक उल्का पिंड आने वाला है, स्पेस से वो किसके थ्रू पता चला था, वो रिसर्च सेंटर के थ्रू पता चला था विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नाउ इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कहां पर कितने इफेक्ट्स यानी कि प्रभाव पड़े हैं। कंप्यूटर हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर लाइव्स, अ कपल ऑफ डिकेड एगो आवर लाइफ वर सिंपल, मोस्ट ऑफ वर्क वॉज डन मैनुअली एंड सम ऑफ द थिंग्स विच आर पॉसिबल टूडे वर आउट ऑफ इमेजिनेशन देन। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आवर लाइफ एंड वर्क स्टाइल हैव चेंज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, लेट अस लर्न द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर लाइफ, यानी कि कंप्यूटर का हमारी लाइफ से बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा है, अच्छा या बुरा दोनों टाइप का इफेक्ट पड़ा है। एंड बहुत टाइम पहले, कपल ऑफ डिकेड्स यानी बहुत टाइम पहले, हमारे लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी, वर्क जो था वो मैन्युअली यानी कि हमारे द्वारा किया जाता था, मैन द्वारा किया जाता था। एंड सम ऑफ थिंग्स विच आर पॉसिबल टूडे, यानी कि जो चीजें आज हो सकती हैं वो पहले सिर्फ सोची जा सकती थी, इमेजिनेशन यानी कि उनको सिर्फ सोचा जा सकता था कि काश ऐसा हो जाता। नाउ अब हम पढ़ेंगे कहाँ पर क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं। एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि स्टडीज, बिफोर द यूज ऑफ कंप्यूटर लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू टॉपिक्स वॉज अ लॉन्ग एंड
difficult process. For example, to search a piece of information, one had to spend many hours in the library. But nowadays, you can get information on any topic on a computer. They can also make a boring topic interesting with the use of various audiovisual effects. Means, पहले आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था, आपको या टीचर्स बोथ दोनों को कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता था तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता था एक चीज को समझने के लिए, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए. बट अब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आपको अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसको गूगल पर सर्च करके इजीली उसका रिजल्ट देख लेते हैं. एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है आपका लर्निंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. जैसे कि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती थी तो आपकी मैम आपको आपकी क्लास में आपको चला के देती थी ना बच्चों डिजिटल क्लास, उसमें आप देखते थे अपनी स्टोरीज अबाउट कंप्यूटर एंड डिफरेंट योर स्टोरीज वगैरह सब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स यानी कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इजी हो गया है. अब उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, नोटबुक वगैरह, किस बच्चे का एडमिशन कब हुआ है, उसका क्या नंबर है, ये सब इजीली ऑफिस में आपके इजीली रिकॉर्ड इसका रखा जा सकता है. डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग मीन्स जो दे आर वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट let the design to create amazing and creative design. They can design clothes, car, book, building and so on. Computer has increased the speed of printing while maintaining the print quality. Means आपकी जो books होती हैं, आपके जो clothes होते हैं, buildings होती हैं, इन सब का design जो इतना सुंदर सुंदर होता है ये with the help of computer होता है. इसका print अच्छा और जल्दी निकल जाता है. Entertainment means आप जो movies वगैरह देखते हो, TV पे ads देखते हो, ये सब किसके through देखते हो, ये सब आप